Hello everyone and welcome to this video. In this video we will continue our discussion on DCF valuation, but before that I want to discuss about three very basic but used terminology in DCF valuation. You would have heard about post-tax EBIT. This post-tax EBIT is NOPAT, net operating profit after tax, or you can simply call it post-tax EBIT, net operating profit after tax. Then FCFF, this is also called unlevered free cash flow, and FCFE is called levered free cash flow. Now let's talk about the first step in DCF valuation. The first step in DCF valuation is to forecast the free cash flow. You can either forecast free cash flow to the firm or you can forecast free cash flow to equity. Free cash flow to the firm is more prevalent or very frequently used in comparison to FCFE, free cash flow to equity. Why? Because FCFF में आप पूरी फर्म के कैश फ्लोज को देखते हो, मतलब कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी ओवरऑल कितना कैश फ्लो जनरेट करके देती है, और FCFE में आप सिर्फ कंपनी के इक्विटी पार्ट की वैल्यू देख रहे हो। तो FCFF में आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि पूरी फर्म कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू कितनी बन के आ रही है। FCFE में आप सब कुछ माइनस करने के बाद जो कॉमन इक्विटी को बच जाता है कैश फ्लो, सिर्फ उस एंगल से देख रहे हो, विच इज नॉट करेक्ट। तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू यूज FCFF मॉडल एंड ट्राई टू अवॉइड द यूज ऑफ FCFE मॉडल। तो FCFF मॉडल पे हम बात करें अगर हम, तो FCFF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले EBIT और टैक्स रेट फॉरकास्ट करोगे, फिर आपके पास NOPAT आएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉन कैश चार्जेस ऐड करोगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करोगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप माइनस करोगे, जिससे आपका क्या आएगा, फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म। अब ये जो फोरकास्ट करना है ये कितने टाइम के लिए करना है, एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड के लिए। जिस टाइम के लिए आप फोरकास्ट करते हो, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 8 साल, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड। तो हमारे मॉडल में हमने इसे कितने साल के लिए फोरकास्ट किया है, वी हैव फोरकास्टेड इट फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। तो हमने फोरकास्ट किया है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, इसे हम क्या कहेंगे, अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो। तो पहला स्टेप हमारा जो है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म फोरकास्ट करना है। तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म के सारे इनपुट्स आपके फाइनेंशियल मॉडल के अंदर ऑलरेडी फोरकास्ट किए जा चुके हैं। जो प्रीवियस मॉड्यूल है हमारा जिसमें हम फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कई कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल बनाए, तो हर कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल में आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो फोरकास्ट किया हुआ है। तो ये जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे आपके वहीं से आएंगे, ऑलरेडी ये सब फोरकास्टेड है। तो आपको एक मिनट के अंदर ये सारी चीजें डीसीएफ वैल्यूएशन के लिए कनेक्ट कर देनी है, इनमें कुछ भी आपको फोरकास्ट नहीं करना, ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडल में फोरकास्टेड है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है उसको समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूँ। व्हाट इज डिस्काउंट रेट, द रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट हमारी क्या क्या हो सकती है, डिस्काउंट रेट हमारी वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो सकती है, दोनों में से कोई भी, डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है। अगर FCFF मॉडल है तो वैक हमारा डिस्काउंट रेट होगा, और FCFE मॉडल है तो वैक हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा डिस्काउंट रेट होगा। तो डिस्कस करना है कि वैक क्या होता है, व्हाट इज वैक। वैक इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक इज आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट रिप्रेजेंट्स मिनिमम वेटेड एवरेज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, सभी इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हैं उनका वेटेड एवरेज हमारा वैक होता है। अब यहां पर थोड़ा सा कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसी को आप कह रहे हो कि वो डिस्काउंट रेट है, ये कैसे हुआ।
मैं वही कह रहा हूँ, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सब की जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स है उनका वेटेड एवरेज, एवरेज नहीं वेटेड एवरेज क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैक होगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट कैसे है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन और ले लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। इट रिप्रेजेंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी। जो हमारी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी है, उनकी जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम बात करते हैं कि सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे डिस्काउंट रेट कैसे हुए। तो आइए चलते, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप जीरो ईयर में, मतलब आज के दिन मुझसे 100 रुपीज ले लो और एक साल के बाद आप मुझसे, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, एक साल के बाद आप मुझसे 120 रुपए ले लो। ठीक है, तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि दो ऑप्शन है कि 100 रुपए आज लेना बेटर है या 120 रुपए एक साल बाद लेना बेटर है, इसको एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 100 रुपए की वैल्यू को फ्यूचर पे लेके जाओ या 120 रुपए की वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको एक बात करता हूं, फर्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए मैंने क्या किया, मैं ये सोचूंगा कि जो 100 रुपीज हैं भाई आज मैं इनसे ले लेता हूं और इसको खुद इन्वेस्ट करता हूं। तो मैंने देखा कि अगर 100 रुपये मैं खुद इन्वेस्ट करूं कहीं और तो मैं रफली 15% अर्न कर पाऊंगा। तो 100 रुपये को अगर एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो एक साल के बाद अपने लेवल पे मैं 115 रुपये कमा सकता हूं, मतलब कमाई मेरी 15 रुपये की है। तो यहां पर जो मेरी 15% है वो क्या है, ये मेरी रिटर्न रेट है। क्या है, क्योंकि मैं इतना 15% कमा सकता हूं। तो यहां पर जब मैं 100 को 115 पे लेके गया तो इस रिटर्न रेट से मैंने क्या किया, इसको इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली। तो 15% के बेस पर मैं फ्यूचर में गया तो ये 15% मेरी क्या बन गई, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, कि मुझे अगर 100 रुपये मैं इन्वेस्ट करूं तो 115 मिलेंगे। तो अब जब मैं 120 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, पहले ऑप्शन में क्या किया मैंने, 100 रुपये को 115 पे लेके गया तो जो 15% है वो मेरी कंपाउंड रेट बन गई। तो यहां पर मैंने देखा कि 100 रुपये को खुद इन्वेस्ट करने से बेटर है कि मैं सामने वाले बंदे से 120 रुपये एक साल बाद ले लूं, क्योंकि खुद इन्वेस्ट करूंगा तो 115 ही मिलेंगे, लेकिन इससे मुझे 120 मिलेंगे। तो पहले ऑप्शन में मैं फ्यूचर वैल्यू में लेके गया तो मुझे ये वाला ऑप्शन बेटर लगा कि मैं 120 रुपये इससे ले लेता हूं। दूसरा तरीका एनालिसिस का क्या होगा कि 120 रुपये की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, तो 120 रुपये की जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो ये कितनी आएगी, रफली 104 रुपये के आसपास आएगी। इसको जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो किससे करूंगा, फिर 15% से ही तो करूंगा। तो 15% से डिस्काउंट करूंगा तो जब मैं 15% डिस्काउंट करूंगा तब ये 15% मेरी क्या बन जाएगी, डिस्काउंट रेट। तो जो 15% मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वही मेरी डिस्काउंट रेट भी है। तो जब मैं 120 रुपये को डिस्काउंट करके लाता हूं तो ये 104 रुपये के आसपास बनता है। तो मैं देखता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू मेरी 100 रुपये है और 120 की प्रेजेंट वैल्यू 104 है, तो फिर से यही डिसाइड हुआ कि एक साल बाद 120 रुपये लेने वाला ऑप्शन ही ज्यादा बेटर है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसी को हम कंपनी के लिए डिस्काउंट रेट मान करके एनालिसिस करते हैं। तो आइए एक बार वैक को थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि वैक क्या होता है। यहां देखिए, मान लीजिए आपने ए पर्सन से 1000 रुपीज लिए और आपने कहा कि मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा, ठीक है, और पर्सन बी से आपने 2000 रुपीज लिए और आपने कहा कि मैं आपको 15% का रिटर्न दूंगा और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 2000 को इन्वेस्ट किया, टोटल आपने 3000 से बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको कम से कम कितने कमाने हैं, 100 रुपये तो इस बंदे के लिए कमाने हैं और 300 रुपये इसके लिए कमाने हैं, तो ओवरऑल आपको 400 रुपये 400 रुपीज कमाने हैं। अगर आप 3000 रुपये बिजनेस में लगा के 400 रुपये एनुअली कमा लोगे, 400 रुपीज मंथली अगर आपने अर्न कर लिया तो आप इस बिजनेस को चलाते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओवरऑल 400 आपको कमाने हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 100 इसके लिए कमाना है, 300 इसके लिए कमाना है, आप ओवरऑल सोचिए कि मुझे 400 कमाने हैं।
अगर ओवरऑल 400 कमा लोगे तो आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 400 की कमाई से आप इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे। अगर 400 नहीं कमा पाए और इनका रिटर्न नहीं दे पाए तो क्या होगा, ये पैसा अपना विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 400 है यही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि मिनिमम आपको 400 कमाना ही कमाना है। अगर ये नहीं कमाया तो आपका बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन हम इस 400 को क्या करते हैं, इस 400 को हम रेट में लिखते हैं, तो 400 डिवाइड बाय 3000, सो दैट इज अराउंड 13.33%, ये हमारा क्या होगा, बैक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर ये 1000 रुपये को मैं डेट मान लूँ तो ये 10% मेरा कॉस्ट ऑफ डेट होगा, और इस 2000 को मैं अगर इक्विटी मान लेता हूँ तो ये 15% मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, और जो 13.33% आया ये मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसी चीज को अगर आप चाहो तो फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हो। कैसे, वैक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। अभी प्रेफरेंस स्टॉक हमने नहीं लिया पे, यहाँ पे कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी यहाँ पर क्या है, 15% इंटू वेट ऑफ इक्विटी कितनी हमारी, 2000 डिवाइड बाय 3000, सो दैट इज अराउंड 67%, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना हमारा 10%, तो वेट ऑफ डेट कितना है 1000 डिवाइड बाय 3000, सो दैट इज अराउंड 33%। तो अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 13.33% विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एग्जाम्पल से आपको वैक समझ आ जाना चाहिए। कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज वैक, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो डेफिनेशन प्रॉपर याद रखिए, मैंने अभी आपको लिखा ये डेफिनेशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वैक इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट रिप्रेजेंट्स मिनिमम वेटेड एवरेज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग डेट इक्विटी एंड प्रेफरेंस स्टॉक। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट रिप्रेजेंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी। ठीक है, तो वैक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वैक पर अभी और भी वीडियो बनेंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।